प्रधानमंत्री द्वारा आहूत जनता कर्फ्यू के बाद उत्तराखंड राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोविड 19 के संक्रमण से बचने के लिए यह जो लॉकडाउन है ये घोषित किया गया है, जिसमें कि जो अंतर्राज्यीय परिवहन है उसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय जो परिवहन है उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। यदि बहुत ज़रूरी है तो ही घरों से निकलें, 5 से ज़्यादा के ग्रुप में इकट्ठा ना हो, और ध्यान रखें कि जो ये कोरोना वायरस है, जो कोविड 19 है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के माध्यम से ही फैलता है। तो आज गोपेश्वर में जो स्थिति है 23 मार्च की, कि किस प्रकार जो ये लॉकडाउन है इसके बाद शहर में किस तरह का माहौल है, कितनी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, यहाँ पर जो राशन की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, प्रशासन चाक चौबंद है, और दवाइयों की दुकानें भी खुली हुई हैं, फल सब्जी एवं आवश्यक वस्तुएं जो भी हमारे घरेलू उपयोग में लाई जाती हैं वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान लूँगा। इधर सामने ये तिराहा है, तो यहाँ पर जो पुलिस अमला है वो खड़े हैं कि इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल किया जाए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वो है कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाना, ताकि ऐसी विकट परिस्थिति ना आ पाए। तो आप सभी का जो सहयोग इसमें है वो वांछनीय है। तो आज अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि गोपेश्वर में लॉकडाउन के तहत किस प्रकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं या बंद हैं। तो ये है गोपेश्वर का तिराहा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दुकानें, सारी की सारी जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद हैं। ये मंदिर मार्ग वाला क्षेत्र है, तो ये देखिए सामने GMBN का टूरिस्ट टेस्ट हाउस, ये सारा बंद है। यहाँ पर सारी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मंदिर मार्ग पर, कि वहाँ पर किस प्रकार से लॉकडाउन का असर है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है फल विक्रेता हैं, तो ये आवश्यक सेवाओं में है, जिसमें कि आपका राशन होता है या इस तरह की खाद्य आपूर्ति से संबंधित दुकानें हैं, तो ये दुकानें खुली हुई है, इन पर प्रतिबंध नहीं है। बाकी आगे का देखते हैं मंदिर मार्ग पर। देखिए बैंकिंग सेवाएं खुली हुई हैं, यहाँ पर ATM सामने आप देख रहे होंगे खुला हुआ है, राशन की दुकान खुली हुई है। बाकी लॉकडाउन का असर पूरे मार्केट में संपूर्ण 100% है। सारी दुकानें बंद हैं, जो आप देख रहे हैं राशन की दुकान खुली हुई है, और जब बहुत ज़रूरी है तो ही घरों से निकलें, अन्यथा जो है कि बेवजह निकल कर। कमरे पे आने की तैयारी है कल से? हाँ, आज ही से हो गया बंद तो ना। तो ये है मंदिर मार्ग में लॉकडाउन के बाद बाजार की स्थिति, सारी दुकानें बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ लोग इक्का दुक्का मार्केट में चल रहे हैं। और आप भी ध्यान रखिए, यदि बहुत ही अत्यंत आवश्यक न हो तो घरों से ना निकले। फल सब्जी एवं खाद्यान्न से संबंधित सारी दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल शॉप खुली हुई है,
बाकी देखिए मंदिर में भी यहाँ पर कुछ नोटिस लगा हुआ है, इसमें लिखा है कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह का पालन करते हुए सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक पुरास्थल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संग्रहालय सार्वजनिक हित में मंगलवार 17 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। तो यहाँ पर भी ये बंद है। तो देखिए ये जो महामारी है इसको पेंडेमिक घोषित किया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि चाइना के वुहान शहर से जो उपजा हुआ जो वायरस है कोविड 19 या SARS-2 किस प्रकार से इसने जो है पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है। चाइना के बाद इसने ईरान से लेकर चाहे वो आपका इटली हो या सऊदी अरेबिया हो, कोई सभी देश हो, सब जगहों पर इसने बहुत बहुत ज़्यादा कहर किया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं सड़कें पूरी वीरान है मंदिर मार्ग से वापसी पर, आप देख रहे होंगे भाई इसके खतरे को देखते हुए ही सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसमें जो है पूरे राज्य को लॉकडाउन किया जाए। अब ये बस स्टैंड पर हैं, कुछ ही लोग यहाँ पर हैं, बाकी आप देख रहे होंगे वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से यहाँ पर ठप है। ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि अब क्या होगा, खाद्य आपूर्ति आपको मिलती रहेगी, दवाइयाँ खुली। तो आखिर क्यों किया गया है ये लॉकडाउन? देखिए पूरे भारत में तमाम राज्यों में जिसमें कि उत्तराखंड राज्य भी शामिल है यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है। उत्तराखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। यह किया गया है कोविड 19 या वुहान कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि यह संक्रमण से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें लोगों को दूर रखने के लिए, एक दूसरे से दूर रखने के लिए ताकि संपर्क ना हो पाए प्रॉपर, इसको किया गया है। इसमें जो है कि इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय जो यातायात है उसको बंद कर दिया गया है, स्थानीय यातायात को भी बंद कर दिया गया है। यातायात का प्रयोग आप सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में ही कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं वो कहीं आपको न मिलें, ऐसी आपको चिंता हो रही है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि राशन की दुकान आपको खुली मिलेगी, फल सब्जियों की दुकान खुली मिलेगी, पेट्रोल डीजल आपको उपलब्ध मिलेगा। तो दोस्तों ये है लॉकडाउन के बारे में। इसके अलावा आप ध्यान रखिए 5 से ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर झुंड बनाकर इकट्ठा ना हो, आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें ताकि यह संक्रमण ना फैलें और अलग अलग स्टेज में जो कोरोना वायरस फैलता है वो ना फैले और हम इस महामारी से बच सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा मैं कोरोना वायरस की सारी जानकारी, कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया है, इसका डायग्नोसिस को कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो
उम्मीद है आपने देखा होगा गोपेश्वर में किस प्रकार इस समय जो है कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति है। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो बनाकर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं सबसे पहले इसकी जानकारी आप तक पहुंचे तो बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें, और इसी प्रकार हमें कोरोना को मार भगाना है।